हे एवरीवन, मैं आज फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर। मैं लेके आई हूँ आपके सामने फिर से एक नेपाली डिश जिसका नाम है डामलो बटारे। ये बहुत अच्छा होता है, खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, क्रंची होता है और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये तीज त्यौहार, होली, दिवाली सब में बनाया जाता है और ऐसे भी बना कर रख सकते हैं इसे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल में बने रही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं बनाने जा रही हूँ डामलो बटारे। तो चलिए कैसे बनता है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कटोरी आटा, ये जो नॉर्मल आटा होता है वो लिया है हमने। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा लिया है, ये रिफाइंड व्हीट फ्लोर है। और यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच चीनी और एक चम्मच बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर मैंने 4 चम्मच लगभग ऑयल डाल दिया है मोयन के लिए। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूंगी, सब एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल जाए। और अब मैं इसे पानी से आटा गूंथ दूंगी। यहाँ पे मेरे को आटा गूंथना है लेकिन नरम आटा नहीं गूंथना है, ना ही सख्त आटा गूंथना है। यहाँ पे मुझे मीडियम आटा गूंथना है लेकिन ज़्यादा पतला, ज़्यादा मतलब कि नरम आटा नहीं गूंथना है। तो यहाँ मैंने आटा गूंथ लिया है और इसे 10 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट के लिए रख दूंगी। और 10 मिनट के बाद मैंने आटा देखा, काफ़ी अच्छा नरम था लेकिन ज़्यादा नरम नहीं था, जैसा मुझे चाहिए था वैसा आटा था। और अब मैं इसे थोड़ा सा अपने हाथों से मसल दूंगी और इसे मसलने के बाद अब मैं इसके 2 टुकड़े कर दूंगी। एक टुकड़ा साइड में रखूंगी और दूसरे टुकड़े को मैं अब यहाँ पे यूज़ करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा रोल रोल कर दिया है इस तरह से, देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा रोल हो चुका है। और इसके भी मैं यहाँ पे चाकू की सहायता से इसके 8-10 टुकड़े कर दूंगी। यहाँ पे मैंने टुकड़े कर दिया है और अब मैं इन लोइयों को साइड में रखूँगी और एक लोई रखूँगी और मैं बताऊँगी कि बटारे किस ढंग से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटारे बनाने के लिए एक लोई लिया है और इसको मैंने ऐसे लंबा रस्सी की तरह रोल रोल कर दिया है, देखिए यहाँ पे लंबा से एक बना दिया है। अब मैं लेफ़्ट हाथ से नीचे की तरफ करूँगी और राइट हैंड से ऊपर की तरफ करूँगी, ट्विस्ट करना है मुझे इसको। देखिए मैंने राइट हैंड से ऊपर कर रही हूँ और लेफ़्ट हैंड से नीचे कर रही हूँ। अब दोनों कॉर्नर के टॉप को मिला दूँगी, जॉइंट कर दूँगी और फिर ये मैं ऐसे यहाँ से ऐसे ट्विस्ट ट्विस्ट करूँगी, देखिए राउंड राउंड शेप में, और टॉप को मैं जॉइंट कर दूंगी। देखिए यहाँ पे एक बटारे बन चुका है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसका शेप भी कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं एक और बनाती हूँ, ऐसे मैंने लंबा सा एक बना दिया है रोल, लंबा करके रस्सी टाइप का, और लेफ़्ट से नीचे और राइट से ऊपर, ये देखिए मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, एक ऐसे कर लिया है, यहाँ पर साफ दिख रहा है, देखिए ट्विस्ट हो रहा है। अब मैं दोनों कॉर्नर के टॉप को मिला दूँगी और इसको ये ऐसे इसको ट्विस्ट कर दूंगी इसको भी। तो देखिए ये यहाँ पे कितना अच्छा हो गया है, बन गया है यहाँ पे एक और बटारे। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे बटारों को बना दिया है और ये दिखने में बहुत क्यूट से लग रहे थे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो मीडियम रखा है, तेज आँच नहीं रखा है और इसका जो हीट है वो भी मीडियम है, तेज़ नहीं रखना है नहीं तो ये जल जाएंगे और पकेंगे नहीं। और देखिए मैंने डाला है, अब एक एक करके मैं यहाँ पे सारे के सारे बटारों को डाल दूँगी, देखिए। और यहाँ पे इसे अधिक नहीं डालना है, एक साथ ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक एक धीरे धीरे करके इसे हमें हिलाना है ताकि ये टूटे नहीं। और इसे हमें जब तक पकाना है ये जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये धीरे धीरे मैं इसे हिलाऊंगी, एक दूसरे से पलट पलट कर इसे करती रहूंगी जब तक कि ये पूरे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए अब ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा पक चुका है, अब ये बेस पकड़ने लग गया है और यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मेरे बटारे भी पक चुके हैं, देखिए यहाँ पे कितने सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह से जितना चाहिए था कलर मुझे एग्जैक्ट वही कलर है। अब मैं इन सारे बटारों को निकाल दूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे बटारे पक चुके हैं, देखिए ये सब पक चुके, ऐसे भी खा सकते हैं, मेरे बेटे को इस तरह से बहुत पसंद आता है। लेकिन हमें इसका
मीठापन भी तो लाना है। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया एक कप शुगर। जो कप शुगर हमने जो आटा और मैदा में लिया था सेम वही मेजरमेंट चाहिए, और उसी कप से मैं यहाँ पे शुगर और एक कप वाटर यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब मैं इसे एक तार चाशनी होने तक पकाती रहूँगी। अब मैं इसमें एक उबाल आने लगेगी, यहाँ पे मैं पहले चाशनी जो चीनी है उसे घोल रही हूँ, धीरे धीरे धीमी आँच पे इसे पका रही हूँ। और अब देखिए इसमें उबाल आने लग गया है और मुझे इसे चाशनी एक तार चाशनी तक बनाना है। तो यहाँ पे लगभग मेरा देखिए एक तार चाशनी बन गया, आपको दिख रहा होगा एक तार चाशनी। अब एग्जैक्ट मुझे यही चाहिए, अब मुझे और ज़्यादा उतना नहीं पकाना है। तो इस कंडीशन में मैं डाल दूँगी यहाँ पर मैं जितने भी बटारे जो मैंने फ्राई कर रखे थे वो मैं सारे के सारे इसमें मैं डाल दूँगी और मैं इसे जल्दी जल्दी इसे मिला दूँ। मैंने गैस का फ्लेम अभी बंद नहीं किया है, अभी भी ऑन है, पर अभी मैं इसे सारा कोटेड कर दूँगी। और मेरे सारे के सारे कोटेड हो चुके हैं तो अब इस कंडीशन में मैं गैस को बंद कर दूँगी। अब ये ठंडा होने लगेगा, जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा तो शुगर भी जमने लगेगी और वो वाइट क्रिस्टल के रूप में आने लगेंगे और ये सब बटारे पर चढ़ने लगेंगे। देखिए बटारे पे धीरे धीरे अब आ रहे हैं, चिपक रहे हैं और बटारे भी अब वाइट होने लग गए हैं। देखिए पूरा शुगर इस पर कोटेड हो गया है, अब सारे के सारे बटारे में शुगर कोटेड हो गया है। इसे मैंने प्लेट में रख दिया, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, इसके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं। ये बहुत खाया जाता है वहाँ पर, फेमस है वहाँ पर, इसे बटारे कहा जाता है वहाँ पर। और आप भी अपने घर में बना के इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब मैं इसे आपको खा के बताती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है सारे के सारे बटारे और ये वहाँ पे मिठाई भी कहा जाता है इनको। तो अब मैं इसे आपको तोड़ के बताती हूँ। ये बाहर से बहुत क्रंची है लेकिन अंदर से सॉफ्ट, एक सख्त नहीं है खाने में, ये अंदर से सॉफ्ट है लेकिन बाहर से ये कड़क है। तो देखिए ये आसानी से टूट जा रहा है, ये देखिए अंदर से सॉफ्ट है, बिल्कुल एक बालू साइज जैसा टेस्ट है और ये खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और शुगर इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ऊपर से कोटेड है हल्के से, अंदर से इसके अंदर शुगर नहीं है। तो इसमें मिठास भी ठीक है, ज़्यादा मीठा नहीं है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो बाय।